पिछले दो दो तीन ट्रेडिंग सेशन की जो गिरावट देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ यू नो लिक्विडिटी इश्यूज। ऐसे मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो उनको बिल्कुल रुक जाना चाहिए, उनको ना इसे बहुत तेजी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए ना खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। शेयर मार्केट में बीते सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। इसके बाद अब सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, जहां प्री ओपन में सेंसेक्स और निफ्टी भरभराकर टूटे हैं, तो वहीं बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम हो गए। बीएसई का सेंसेक्स 80,000 के नीचे ओपन हुआ। इस पर जब हमने मार्केट एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने इसकी वजह बताई, साथ ही इन्वेस्टर्स को सोच समझ कर इन्वेस्ट करने की सलाह दी। हमने देखा फ्राइडे को भी देयर वाज अ डिप कट, मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली थी, और उसका रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापानीज सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, उनका येन अप्रिशिएट हुआ डॉलर के मुकाबले, और वो अप्रिशिएट हुआ तो जो कैरी ट्रेड होता है जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर में रन करता है वर्ल्ड ओवर, उसमें अनवाइंडिंग हो रहा है। अब उस वजह से वी आर सीइंग सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द ग्लोब। ये लिक्विडिटी ड्रिवन प्रॉब्लम है, नॉट फंडामेंटल। टू सम एक्सटेंट ये मानता हूं मैं कि मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी लोगों को एक यू नो ओवरहैंग चल रहा है, लेकिन ज्यादा करके मैं मानना है कि पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन की जो गिरावट देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ यू नो लिक्विडिटी इश्यूज। तो मैं मानता हूँ जहाँ तक भारत की मार्केट का सवाल है, हमारे यहाँ वैसे भी FPI ने लगातार बिकवाली की है, उनका कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, उनकी ओवरऑल होल्डिंग भी नीचे आई है, तो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ स्टेबलाइज जल्दी होंगे। हालांकि वी कैन नॉट टोटली इंसुलेट आवर सेल्स फ्रॉम ग्लोबल क्यूज, बट जो जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम लोग जो पहले कंट्रीज में आती है वो उसमें से एक रहेंगे। पिछला हफ्ता भी जो है नेगेटिव पॉइंट्स में थे, कहीं ना कहीं जब बजट आया सरकार का उसके बाद मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया, लेकिन सडनली जो है डाउन हो गया, तो लोगों के दिमाग में वो सवाल भी कहीं ना कहीं अब पैदा हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं इश्यू है, इश्यू यहाँ पे ये लिक्विडिटी और ग्लोबल क्यूज है। सर, इन्वेस्टर्स को आज के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे और इस हफ्ते के लिए? देखिए, जब कभी भी हमने देखा है कि जब भी डिप्स आए मार्केट में तो दे बिन बॉट ओवर एंड वेरी क्विकली, तो मैं मानता हूँ कि ध्यान रखें कि जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं वो शेयर्स अगर उसमें गिरावट आती है तो उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना ना भूले। भारत की मार्केट में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गिरावट जो देखी जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की गिरावट को लेके इसका प्रभाव देखा जा रहा है। देखिए, भारत की जो शेयर मार्केट है इस समय काफ़ी पीक पे चल रही थी बजट के थोड़ा पहले, और बजट में थोड़ा प्रभाव पड़ा था, उसके बाद फिर से वो दोबारा से रिकवर कर गई थी और बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रही थी। और शेयर मार्केट हमारी क्योंकि बहुत हाई पी पे और बड़े अच्छे मार्केट वैल्यूएशन पे चल रही, तो कोई भी हलचल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा तो उसका एक प्रभाव तुरंत दिखता है। तो सडनली जब अमेरिका की जॉब मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा प्रभावित हुई, जो रिपोर्ट आई है वहाँ की इकॉनमी में जो टाइटनेस की रिपोर्ट आई है, साथ में कुछ जापान में भी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वहाँ की मार्केट जैसे ही गिरी है, करेक्शंस के मोड में आई हैं, तो उसका ये कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट भारत की मार्केट पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये गिरावट जो है सेटल डाउन होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर ये उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। अगर वो और गिरती है तो यहाँ भी और करेक्शन की संभावना है। जी सर, ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो उनको बिल्कुल रुक जाना चाहिए, उनको ना इसे बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए ना खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उठापटक की मार्केट है। क्योंकि मार्केट पीक पे चल रही है तो रिटेल्स को तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रहना चाहिए, धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, लेकिन जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए।